हेलो दोस्तों, आज हम इस टाइप का फ्रूट वेबसाइट लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे उसका लोगो डालेंगे और यहाँ पे हम लोग इसका फ्रूट का डालेंगे। यहाँ पे कुछ डिटेल, यहाँ पे हम लोग ने शॉपिंग का बटन दिया है और यहाँ पे हम लोग ने नेविगेशन बार दिया है। यहाँ पे हम लोग कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये हावर होगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। लेट्स स्टार्टेड, चलते हैं अपने VS Code एडिटर पे और हम लोग नाते हैं। हम लोग अपने VS Code एडिटर पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसको सेव करेंगे index.html और इसके बाद नेक्स्ट अनदर फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखेंगे style.css। ये हमारा दो फाइल क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो index.html है इसमें बेसिक टैग लिख देंगे HTML के जो होते हैं। इसके बाद टाइटल में हम लोग डाल देंगे फ्रूट या फूड, जो भी आप डालना चाहे। फ्रूट डाल देते हैं, फ्रूट्स वेबसाइट लैंडिंग पेज। लेट्स इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे बॉडी का क्रिएट करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या किया है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने टॉप लिया है, इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले डिव टैग क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे कंटेनर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग डिव टैग क्रिएट करेंगे जिसका क्लास नेम रखेंगे टॉप। हम लोग टॉप के अंदर, इसके अंदर हम लोग पूरा नेविगेशन बार डालेंगे और लोगो रहेगा हमारा, तो इसके अंदर हम लोगो ले लेते हैं। लोगो हम लोग का एक इमेज रहेगा जैसा उसमें था, सेम टू सेम, तो इमेज को हम लोग ने यहाँ पे रखा है PNG वाला, ये वाला मैंगो इमेज PNG, ये वाला हम लोग इमेज यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे इमेज SRC, तो हम लोग डालेंगे मैंगो इमेज .png। इसका विड्थ देंगे, विड्थ हम लोग देंगे इसका 50 पिक्सल, इसकी हाइट देंगे 50 पिक्सल, इसकी हाइट 50 पिक्सल। इसको हम लोग सेव किए, इसको अब लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, ये देखिए ये हमारा आ गया सिंपल सा। इसके बाद हम लोग VS Code एडिटर पे आए, ये हमारा लोगो को हो गया। इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे क्लास नेम नववार, नेविगेशन बार हम लोग डिजाइन करेंगे टॉप पे जैसे डिजाइन किए थे। तो लेट्स सबसे पहले हम लोग LI का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले होम का ऑप्शन देंगे। हम लोग सबसे LI को कॉपी कर लेते हैं, अप्रॉक्स हमारे 5 नेविगेशन मारे, तो LI को हम लोग 5 बार कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हमारा होम हो गया। इसके बाद हम लोग देंगे दूसरा ऑप्शन देंगे फ्रूट का, फ्रूट्स। नेक्स्ट तीसरा नाम देंगे वेजिटेबल। लेट्स इसके बाद हम लोग दे देंगे ब्लॉग, बाद कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट अस। लेट्स ये हमारा हो गया, देखते हैं हमारा, ये देखिए ये हमारा आ गया। इसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे, नीचे हमारा जो फ्रूट का लिखा हुआ था इस टाइप पे पेज रहा। यहाँ पे देखिए बाय फ्रेश फ्रूट, ये हम लोग भी डाल देंगे और ये इमेज भी। लेट्स यहाँ पे आते हैं अपने कोड पे, ये जो हमारा टॉप का ख़त्म हुआ, हमारा टॉप का काम हो गया। इसके बाद ये टॉप टैग जहाँ पे क्लोज होता है ना, इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, टैग नहीं इंस्टेंस क्लास नेम क्लोज होता है जहाँ पे, ड्यू क्लास नेम, इसका क्लास नेम देंगे हेडिंग। अब हम लोग हेडिंग के अंदर आ गए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्यू क्लास नेम। लेफ्ट लेफ्ट साइड हम लोग ने टेक्स्ट लिखा और राइट साइड हमारा इमेज है, तो इसके लिए ड्यू क्लास नेम टेक्स्ट। लेट सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय स्ट्रॉन्ग टैग का प्रयोग करेंगे, जो इससे हम लोग को फ्रेश में दिखे, बोल्ड में दिखे, फ्रेश फ्रूट्स। इसके बाद यहाँ पे फॉर डिलीवरी। लेट्स ये हमारा हो गया, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए हमारा यहाँ पे आ गया।
इसके बाद हम लोग को नीचे हम लोग ने कुछ पैराग्राफ में भी लिख देंगे। यहाँ पे आएंगे, पी टैग मत खोलेंगे, यहाँ पे हमारा ये है, इसके बाहर हम लोग लिखेंगे टैग्स के बाहर पी टैग की मदद से। यहाँ पे टाइप करेंगे सेव अप टू, स्पैन टैग का प्रयोग करके इसको थोड़ा सा, इसका जो डिस्काउंट हम लोग दिखाते हैं ना वो डालेंगे 1000। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन योर मंथली ग्रोसरीज। यस, लेट्स, ये हमारा आ गया। इसके बाद नीचे हम लोग एक बटन बनाएंगे, ये लेफ्ट के साइड में, यहाँ पे आएंगे तो बटन टैग का प्रयोग करते हैं। बटन को हम लोग लिख देंगे शॉपिंग, ये हमारा लेफ्ट साइड का आ गया। ये लेफ्ट साइड जहाँ टैग हमारा जो क्लास नेम है, लेफ्ट साइड जहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे लिखे नया ड्यू टैग क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग क्लास नेम देंगे राइट। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ने राइट दिया, इसके अंदर हम लोग सी एस एस की मदद से इमेज और बाकी सब डालेंगे। लेट्स, हमारा देखते हैं एच टी एम एल का पेज कैसा दिखता है। हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए हमारा इस टाइप का एच टी एम एल का पेज हो गया। अब चलेंगे हम लोग इसको सी एस एस से मज़े इसको डिज़ाइन करेंगे। लेट्स चलते हैं सी एस एस फाइल में। सबसे पहले सी एस एस फाइल में आने के लिए हम लोग को ये सी एस एस फाइल जो है उसे इसमें लिंक करना पड़ेगा अपने एच टी एम एल फाइल में। तो हेडिंग के अंदर हम लोग आएंगे, हेड टैग के अंदर, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे लिंक एरियल स्टाइल शीट नेक्स्ट। इसके बाद एच रेफरेंस, एच रेफरेंस के हम लोग स्टाइल सी एस एस से मदद से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा जो सी एस एस का फाइल है वो एच टी एम एल के फाइल में लिंक हो गया है। लेट्स, सबसे सारे टैग के पैडिंग और मार्जिन हटा देंगे, मार्जिन। लेट्स सेव करते हैं, ये देखिए सारे टैग के पैडिंग और मार्जिन हट गए। इसके बाद हम लोग ने सबसे पहले जो ये कंटेनर बनाया इसको डिज़ाइन करेंगे, इसका पूरा, इसके अंदर हम लोग इमेज डालेंगे जो बैकग्राउंड इमेज रहेगा। यहाँ पे डॉट लगा के सेव करते हैं। लेट्स यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले इसका हाइट 100% देंगे, इसके बाद इसका विड्थ देंगे 100%, इसके बाद इसका बैकग्राउंड इमेज देंगे हम लोग। बैकग्राउंड इमेज हम लोग सी एस एस की मदद से ही देंगे, तो इसके बैकग्राउंड इमेज यू आर एल या ब्रैकेट में लिखेंगे। बैकग्राउंड हम लोग इमेज यूज करेंगे, बैकग्राउंड डॉट पी एन जी। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड डॉट पी एन जी। लेट्स इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने पेज पे, देखते हैं तो दिख रहा है। ये देखिए हमारा पेज इस टाइप पे आ गया। अब इसको अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे, इसका साइजिंग मर्ज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड साइज कवर। लेट्स ये देखिए अपने अपने सन आ गया प्रॉपर प्लेस पे। लेट्स इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे जो ये टॉप बनाया है लोगों का यहाँ पे हम लोग जो इस टाइप के दिख रहा है हमें हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल पे चाहिए जो वर्टिकल में दिख रहा है। तो हम इसको सी एस एस मेथड से इसको करते हैं। लेट्स सबसे पहले हम लोग इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो हमारा ये हॉरिजेंटल में आ जाएगा। ये देखिए हमारा लोगो और जो हम लोग ने नेविगेशन लिखा था वो हमारा हॉरिजेंटल में आ गया। इसके बाद हम लोग फ्लैक्स देंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन हम लोग दे सकते हैं रो। इसके बाद हम लोग जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लैक्स डायरेक्शन। और इसके बाद पैडिंग, पैडिंग हम लोग देंगे 15 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। सेव करते हैं, ये देखिए हमारा ये इस टाइप पे सेंट्रल में आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा ये बना है इसमें यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से दूर दूर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट अगर हम लोग स्पेस इवेंट करेंगे तो ये दोनों साइड के गैप के हिसाब से आएगा। ये देखिए इस साइड भी गैप जो रहेगा, इस साइड भी गैप रहेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्पेस बिटवीन,
स्पेस बिटवीन से दोनों साइड गैप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे जो अपना लोगो को बनाया है, इस लोगो को हम लोग ले देंगे, यहाँ पे आएंगे अपने फाइल में, यहाँ पे डॉट लगा के पेश करेंगे। लेट्स, इसको सबसे पहले हम लोग विड्थ देंगे, विड्थ इसका रहेगा 50%। लेट्स, हाइट इसका देंगे 50%, पिक्सल डिस्प्ले फ्लैक्स, फॉन्ट साइज हम लोग इसको फॉन्ट साइज दे देंगे 30 पिक्सल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट आइटम सेंटर, इसके बाद कलर वाइट, ये देखिए आ गया। बस हम लोग ने यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखा, तो यहाँ पे एचटीएमएल के फाइल में आएंगे, लोगो यहाँ पे इमेज था, इमेज के बाद हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे स्टोर का नाम डाल देंगे, हम लोग स्टोर का नाम डालेंगे डायनेमिक स्टोर। लेट्स, सेव करते हैं, ये देखिए ये हमारा आ गया। इसके बाद हम अब नेविगेशन को, ये जो हम लोग ने नेविगेशन बनाया इसको डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे, हमारा नेविगेशन कहाँ पे है, ये रन नाउ, नाउ बार या नाउ, इसको कॉपी करते हैं नाउ को, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डॉट लगा के पेश करते हैं। सबसे पहले इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, ये देखिए ये हमारा इस टाइप पे आ गया। इसके बाद इसको, इसका जो लिस्ट स्टाइल है उसको भी हम लोग हटाएंगे। सबसे पहले इसको विड्थ देंगे 50%, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इसके बाद हम लोग इसको अलाइनमेंट आइटम सेंटर लिस्ट स्टाइल, जो हम लोग का यहाँ पे जो हमें डॉट डॉट दिख रहा है इसको हटाएंगे, तो इसको लिस्ट स्टाइल नन करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने किया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसका हम लोग इसका पैडिंग कर देंगे, पैडिंग 0 पिक्सल, हम लोग 0 पिक्सल रहेगा जो वो टॉप और बॉटम से रहेगा, 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट से, इस टाइप पे आ गया। इसके बाद फॉन्ट वेट देंगे, वेट देंगे इसको बोल्ड करने के लिए, तो इसको हम लोग फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाएगा, डार्क में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग इसका फॉन्ट साइज दे देंगे, इसका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल देंगे। लेट्स, सेव करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा इस टाइप पे आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग ने जो एलआई टैग यूज किया है, यहाँ पे आएंगे, एलआई टैग को हम लोग पैडिंग दे देंगे, जो हम लोग हावर करने पे हमारा ये दिखाए। तो लेट्स, अब एलआई टैग को हम लोग हावर करेंगे, सबसे पहले कलर दे देते हैं, कलर इसका रहेगा RGB 192 0। लेट्स देखते हैं हावर करने पर इसका किस टाइप का कलर, ओके, बैकग्राउंड कलर के बाद पता चलेगा। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका देंगे RGB 1282 0, लेट्स ग्रीन, ये देखते हैं, ये देखिए हमारा इस टाइप पे आ गया। बट इसके हम लोग कर्सर लेके जा रहे हैं, तो ये देखिए कैसा आ रहा है, तो इसको कर्सर को हम लोग पॉइंटर बना देंगे, कर्सर पॉइंटर, फिर से यहाँ पे लेके जाएंगे, ये देखिए अब पॉइंटर में हमें दिखेगा। नेक्स्ट, अब हम इसे डिजाइन करेंगे, जो हम लोग ने यहाँ पे बाय और फ्रूट का जो टैक्स हम लोग लिखा है और जो इमेज हमको करना है। सबसे पहले हम लोग इमेज ला देते हैं, जो यहाँ पे हम लोग ने क्लास नेम दिया है राइट, इसको कॉपी करते हैं, अपने CSS फाइल में आएंगे, यहाँ पे लगाएंगे डॉट, लेट्स यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इमेज कौन सा यूज करेंगे, हम लोग इमेज यूज करेंगे ये PNG का है, ये वाला हम लोग यूज करेंगे। लेट्स यहाँ पे आते हैं अपने CSS के फाइल में, सबसे पहले हम लोग इसका विड्थ देंगे, विड्थ इसका रहेगा 400 पिक्सल, इसकी हाइट देंगे, हाइट हम लोग देंगे 400 पिक्सल, बैकग्राउंड इमेज URL इसका URL देंगे मैंगो इमेज डॉट png। लेट्स सेव करते हैं, ये देखिए कुछ इस टाइप पे आ रहा है, इसका बैकग्राउंड कवर करना पड़ेगा, तो इसको डालेंगे बैकग्राउंड साइज कवर, ये देखिए ये अपने ऑटोमेटिकली शेप में आ गया।
लेट्स, इसके बाद हम लोग इसको पोजीशन डाल देंगे, इसको इसका साइज एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका पोजीशन रिलेटिव माइनस लेफ्ट साइड से -50 पिक्सल, ये देखिए कुछ इस टाइप पे आ गया। अभी हम लोग ने यहाँ पे जो हेडिंग बनाया है, ये हेडिंग को कॉपी करेंगे, सीएसएस की फाइल में आएंगे, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करेंगे। इसको हम लोग सबसे पहले हेडिंग को डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइनमेंट आइटम सेंटर। अब देखिए हमारा पूरा कंटेंट सेंटर में आ गया। इसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन भी कर देते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन रो, ये हमारा रो में आ गया। इसके बाद हम लोग इसको पैडिंग करेंगे, पैडिंग टॉप से रहेगा, टॉप से हम लोग इसको पैडिंग लेंगे 100 पिक्सल, जो हमारा इधर गैप हो जाएगा। जब ये हमारा सेंटर में आ गया, अब इसके बाद हम लोग जो हमारा ये टैक्स है इसको डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, ये जो हम लोग ने टैक्स लिखा है यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, डॉट लगा के पेस्ट करते हैं। लेट्स, इस टैक्स को सबसे पहले हम लोग फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट साइज इसका 70 पिक्सल देंगे। इसके बाद विड्थ देंगे, विड्थ इसका रहेगा 470 पिक्सल। कलर देंगे वाइट, इसका देखिए हमारा ए इस टाइप पे आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग ने जो हम लोग ने ये स्ट्रॉन्ग किया है इसका भी हम लोग साइज देंगे, और हम लोग ने जो ये स्पैन का टैग इसमें भी यूज किया है वो सेम टू सेम। तो लेट्स सबसे पहले हम लोग स्पैन टैग का कर लेते हैं। स्पैन टैग का हम लोगों ने फॉन्ट वेट देते हैं, फॉन्ट फैमिली नहीं, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट देंगे इसको बोल्ड। नेक्स्ट, कलर देंगे RGB 255192 0। जो हम लोग ने यहाँ पे प्राइजिंग दिया है, ये प्राइस जो लिखा था $100 इसको हम लोग ने कलर दिया है स्पैन टैग की मदद से, यहाँ पे हम लोग ने जो दिया था। इसके बाद हम लोग ने पी टैग की मदद से जो लिखा है सेव अप टू, इसको अप करेंगे। लेट्स पी टैग, इसका कलर RGB 12 1502। लेट्स सेव इट, ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप पे आ गया। इसका पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग देगी इसको 10 पिक्सल 0 पिक्सल, यहाँ पे हम लोग ने सेव किया। ये देखिए हमारा इस टाइप पे बन गया। अब इसके बाद हम लोग इसको डिजाइन करेंगे, इसका जो बटन है वो बटन के डिजाइन करेंगे। यहाँ पे आएंगे, जो हम लोग ने यहाँ पे बटन टैग का प्रयोग किया तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ बटन का यूज कर सकते हैं। बटन, इसका सबसे पहले बटन को हम लोग पैडिंग देंगे, पैडिंग 15 पिक्सल, टॉप और बॉटम में रहेगा 20 पिक्सल रहेगा, लेफ्ट और राइट। इसके बाद बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस इसका रहेगा 30 पिक्सल। नेक्स्ट, इसका बॉर्डर बॉर्डर नन करेंगे। इसके बाद फॉन्ट वेट देंगे, इसका बोल्ट रहेगा फॉन्ट वेट। लेट सेव करके देखते हैं, ये देखिए कुछ इस टाइप पे बन गया। अब इसका कलर भी डालेंगे हम लोग, तो इसको कलर करेंगे, इसका कलर देंगे हम लोग RGB ग्रीन कलर कर देंगे। लेट्स सेव करते हैं, ये देखिए इसका आईपी का इसका कलर ग्रीन हो गया। इसका बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग देंगे RGB 255192 0। लेट्स सेव इट, ये देखिए हमारे इस टाइप पे ये आ गया। बट हम लोग ने ये नेविगेशन बार को इसका कलर नहीं दिया था, तो यहाँ पे आएंगे नव पे, यहाँ पे हम लोग कलर देंगे, कलर देंगे इसका जो हमारा था RGB ग्रीन कलर। लेट्स सेव करते हैं, ये ज़्यादा डार्क नहीं है तो हम लोग को डार्क चाहिए, हम लोग को डार्क वाला यूज करेंगे। लेट्स इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये देखिए हमारा इस टाइप पे बन गया, वेबसाइट बन गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो आते रहेंगे, ज़रूर लाइक करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।